नमस्कार। आज मैं बालू शाही बनाऊंगी, तो बनाने से पहले आप इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए। यहाँ पे 250 ग्राम मैदा है, 250 ग्राम चीनी है, 50 ग्राम तेल है, एक बड़ा चम्मच बेकिंग पाउडर है। तो अब चलिए बनाते हैं। पहले सबसे पहले ये मैदे को गूंथ के तैयार करते हैं। तो यहाँ पे बेकिंग पाउडर डाल दे रहे हैं, तेल, ये घी है, आप तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले इसको मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, इसका मोयम ऐसे होना चाहिए। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, और इसको गूंथना नहीं है, इसको सिर्फ एक साथ पूरे को मिला लेना है, पूरा आटा एक साथ ले लेना है। ये देखिए, इसको मैं गूंथी नहीं हूँ, सिर्फ इसको आटे को मैदे को सिर्फ एक जगह करके पूरा एक साथ मिक्स कर ली हूँ। इसको आपको चिकना नहीं है, चिकना करना बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं इसको ऐसे ढक के रख दे रही हूँ जब तक चाशनी बन ना जाए, फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, अब चलिए चाशनी बना लेते हैं। अब जैसे कि ये 250 ग्राम चीनी है, तो उसी हिसाब से मैं 1¼ कप पानी डाल रही हूँ इसमें। ये देखिए, 1¼ कप पानी डाल दे रही हूँ। अब इसे चाशनी बना लेते हैं। इसमें एक इलायची डाल देते हैं तोड़ के। ये देखिए, चाशनी देख लेते हैं कि हुआ है कि नहीं। हाथ में लगा के देखते हैं। ये देखिए, तार बनने लगा है, तो इसका मतलब है कि चाशनी बन के तैयार है। अब इसको हटा देते हैं। ये देखिए, चाशनी तो बन गया है, और कढ़ाई में तेल भी रख दी हूँ गर्म होने के लिए। तब इसको अब सबसे पहले इसे ऐसे तोड़ लेंगे बीचों बीच, फिर इसको इस तरफ से ऐसे ऐसे करके पहले तोड़ लेते हैं, एक साथ पूरा मिक्स कर लेते हैं। अब इसको एक साथ फिर से मिक्स कर लेते हैं। अब थोड़ा सा लेके इसको पहले लंबा करेंगे, और फिर अपने हिसाब से छोटा बड़ा लोई लेके इसको बना लेते हैं। ये देखिए, इसको ऐसे कर लेंगे, बीच में छेद करके ऐसे रख देते हैं। ऐसे मैं सब बना के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, बालू शाही बन के तैयार हो गया है। आप चलिए इसको फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए, ज़्यादा तेल गरम नहीं है, अब इसमें एक एक करके डालेंगे, और ये धीरे धीरे करके ऊपर आएगा। धीमे आंच में इसको गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। ये देखिए, गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसे निकाल लेती हूँ और सीधे सीढ़े में डाल देती हूँ। ये देखिए, इसे 10 मिनट के लिए रख दे रही हूँ ढक के। ये देखिए, बालू शाही बन के तैयार हो गया है। तो आप भी बनाइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपना कमेंट हमें ज़रूर दें। धन्यवाद।